क्या आप भी एक अच्छा राइडिंग बूट चाहते हैं कम प्राइस रेंज में? तो आज आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए। हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो आज के इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ इस बॉक्स की, और इस बॉक्स में है मेरे न्यू राइडिंग बूट जिसे मैंने रिसेंटली परचेस किया है। अभी तक मैंने इन राइडिंग बूट्स को किसी राइड में नहीं पहना है, तो आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ इसकी अनबॉक्सिंग करके बताऊँगा आपको, और मैं आपको इसके स्पेसिफिकेशन बताऊँगा कि अगर आप ये बूट्स लेना चाहते हैं तो आपको इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, और मुझे इस बूट्स में क्या अच्छा लगा जो मैंने इस बूट्स को खरीदा। दोस्तों, मैं बहुत टाइम से एक राइडिंग बूट्स देख रहा था मार्केट में, लेकिन राइडिंग बूट्स हम लोग जैसे जानते हैं बहुत ही हायर प्राइस रेंज में होते हैं, तो मैं उन राइडिंग बूट्स के लिए इतना श्योर नहीं था कि कौन से राइडिंग बूट्स लूं। तो मैंने जस्ट रिसर्च करना चालू किया एंड आई गॉट टू नो अबाउट दिस प्रोडक्ट। तो मैंने सोचा कि मैं स्टार्ट करता हूं इन राइडिंग बूट्स से, अगर मुझे ये अच्छा लगता है तो मैं इन फ्यूचर अपग्रेड करने के लिए ट्राई करूंगा राइडिंग बूट्स में, जो कि फिर हायर रेंज में चले जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूं कि मैंने इसको क्यों मंगाया, मुझे इसके क्या स्पेसिफिकेशन अच्छे लगे और ये मुझे कितने के पड़े। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, दिस इज़ हाउ अवर बूट लुक्स लाइक। जो सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस करी इस बूट को अपने हाथों में लेते ही, वो ये कि ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। दोस्तों, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं एक राइडिंग बूट अपने हाथों में पकड़ाऊँ, क्योंकि राइडिंग बूट जनरली बहुत ही ज़्यादा हैवी होते हैं, तो ये उस टाइप से बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है। इसका मतलब कि आप इसको राइडिंग में यूज़ करेंगे तो आपको बहुत लाइट वेट लगेगा, और आपको वो जो पेन होता है बहुत घंटों ड्राइविंग करते रहने से, राइडिंग करते रहने से, तो वो पेन नहीं रहेगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। और जो दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पर नोटिस करी वो ये कि इसकी क्वालिटी एकदम टॉप नॉच क्वालिटी है। जिस प्राइस रेंज में इसको मैंने लिया है उस प्राइस रेंज में तो इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी मुझे, स्टिचिंग भी काफ़ी अच्छी है, और जो वेलक्रो की क्वालिटी है ये भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो दोस्तों, अगर हम लोग इसके लुक्स की बात करें तो डिसेंट लुक है। यहाँ पर आपको ओराजो की ब्रांडिंग देखने को मिलती है दो बोथ साइड में, यहाँ पर उसका सिंबल देखने को मिलता है आपको। पीछे आपको यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है जो आपकी नाइट विजिबिलिटी को काफ़ी इन्हेंस करेगा, और इसमें आपको हाई हील्स मिलते हैं जिससे अगर आपको शॉर्ट राइडर हैं अगर आप, तो आपको बाइक पे अगर थोड़ा बहुत भी कुछ प्रॉब्लम आता था पहले, तो इसको पहनने के बाद में आपको वो नहीं आएगा, आपके पाँव आसानी से ग्राउंड तक पहुंचेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें हाई हील्स हमको देखने को मिल जाता है। दोस्तों, यहां पर जो सबसे मेन हाइलाइटेड फीचर है जिसकी वजह से मैंने इस बूट्स के लिए मैं बिल्कुल इसको मैंने चूज किया, वो है इसमें जो हमारा टो प्रोटेक्शन हमको यहां मिलता है, वो हमको स्टील टो इंसर्ट मिलता है। तो इसका मतलब दोस्तों कि आपको जो यहां पर ये जो मिला है ये स्टील का है, तो स्टील के होने के कारण आपका टो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। जो हमने देखा है राइडिंग के टाइम पे कुछ हम लोग को स्टोन उछल के आते हैं जो पड़ते हैं पैरों में, या अगर आप इन केस ऑफ क्रैश आपको जो इंजरी के चांसेस वो बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस कर देता है, क्योंकि स्टील का है और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी हार्ड क्वालिटी है, तो आपका टो एकदम प्रोटेक्टेड रहेगा।
आपको यहाँ पर नी के लिए भी थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, हालांकि यहाँ पर स्टील का प्रोटेक्शन आपको देखने को नहीं मिलता नी के लिए, लेकिन जो यहाँ पर कंपाउंड यूज़ किया है ये काफ़ी हार्ड है, तो आपको थोड़ा बहुत तो ये प्रोटेक्शन दे ही देगा इन केस ऑफ क्रैश। दोस्तों यहाँ पर आपको जो शूज़ के अंदर जो आपको फॉर्म मिलता है जो, तो ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मुझे लगा, इससे आपको काफ़ी कंफर्टेबल लगेगा। आप जो घंटों राइडिंग करते हैं बाइक के ऊपर तो आपको बहुत ही कंफर्टेबल लगने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, टॉप नॉच क्वालिटी का फॉर्म इसमें यूज़ किया है, तो आपको बहुत ही कम्फर्टेबल आपको लगने वाला है इसको पहनने के बाद में। दोस्तों दूसरी चीज़ जो मैंने इसमें मुझे बहुत ही अच्छी लगी वो ये कि जो इसका ग्रिप है, मैं आपको इसका क्लोज़र लुक दिखाता हूँ। सो गाइज आपको जो इसका सोल देखने को मिलता है आप उसमें देख सकते हैं, आपको यहाँ पर एंटी स्लिप, ऑयल रेजिस्टेंट और एंटी स्टैटिक, तो और ये शॉक एब्जॉर्बर, यानी कि ये सोल इसका काफ़ी अच्छा है, तो आपको राइड के टाइम पर ये सब चीज़ों से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला, क्योंकि हम लोग देखते हैं जनरली रोड पर बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं ऑयल पड़ा रहता है, तो वो जो स्लिप होने के चांसेस रहते हैं वो इसका ग्रिप काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देता है, तो सोल के लिए भी इसको 4 स्टार। सो गाइज शूज़ पहनने के बाद में मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि बहुत ज़्यादा लाइट वेट हैं, तो उसके कारण आपको पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल लगेगा, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप एक हैवी राइडिंग बूट्स पहने हुए हैं, तो कंफर्टेबल के मामले में इसको सीरियसली 5 स्टार दूंगा मैं। और दोस्तों बाकी बात करते हैं इसकी प्राइस रेंज की, तो प्राइस मुझे ये अमेज़ॉन से मैंने ऑर्डर किया था इसको, और मुझे 3600 के अराउंड पड़ा है, लेकिन अभी ये फ्लैश सेल में आपको कुछ डिस्काउंट में मिल जाएगा, क्योंकि SBI में अभी 10% का जो ऑफ चल रहा है, तो उससे आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों मुझे लगता है मैंने इसके शूज़ के सारे एस्पेक्ट्स कवर किए हैं, अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको कुछ इसमें क्वेश्चन पूछना है इस शूज़ के बारे में, आप कंफ्यूज हैं, कुछ पूछना चाहते हैं और मेरे से जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया, तो आप बेशक मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ऑलमोस्ट सारे कमेंट्स पर रिप्लाई करता हूँ, तो आपके क्वेश्चन को भी मैं आंसर करने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। और दोस्तों मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ कि ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, क्योंकि आई एम नॉट दैट फेमस कि मुझे कोई पैसे देगा अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, अगर ऐसा करेगा भी तो मैं कोई भी फेक चीज़ का कभी भी प्रमोट नहीं करता करूँगा और मैं सपोर्ट भी नहीं करता उसको। तो इन फ्यूचर मैं इस शूज़ को एक मतलब अभी तो मैंने सिर्फ इसको ख़रीदा है, मैंने कोई भी राइड में यूज़ नहीं करा है, तो मैं इसके इतने अच्छे से मतलब मैं बोलूँगा कि मैं इसको इतना अच्छे से तो नहीं जानता, लेकिन मैंने जो आपके साथ में शेयर किया वो इसका मैं जो मुझे फर्स्ट इंप्रेशन है, तो मैंने आपके साथ में वो शेयर किया, तो मैं इसमें फ्यूचर में इसको यूज़ करके अपने राइड्स में यूज़ करके एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको अपने सारा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि इस बूट्स को लेकर कि आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर अभी आप मेरा जो फर्स्ट इंप्रेशन पूछे, मैं हाईली इंप्रेस्ड हूँ इस बूट्स में, स्पेशली जिस प्राइस रेंज में ये आ रहा है, जिस क्वालिटी के साथ में ये आ रहा है, तो आप डेफिनेटली इसको चेक कर सकते हैं, आप डेफिनेटली एक बार इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो That's it guys in this video. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए इसको और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि आप तक ऐसे वीडियोस आते रहें। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ, वेयर हेलमेट, बाय बाय।